तो दोस्तों ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 6 सीरीज ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको पता ही होगा। एंड ओप्पो रेनो 6 5G के बारे में हमने वीडियो भी अपलोड किया है, जो कि हमारे चैनल पर आपको देखना मिल जाएगा। अब जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना अगर आपको ओप्पो रेनो 6 5G के बारे में जानना है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस 5G के बारे में, जो कि उसका सबसे हायर वेरियंट है एंड सबसे फ्लैक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन है ओप्पो की तरफ से अभी तक रेनो सीरीज में। जी दोस्तों, ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस सबसे फ्लैक्सिबल आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको अल्ट्रा लेवल का स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चिपसेट यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छा चिपसेट यूज़ किया गया एंड न्यू चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों पूरी डिटेल में बात करें स्मार्टफोन के बारे में, आइए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस 5G के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेकमोन यूट्यूब चैनल। चले इसके वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस 5G के बारे में। तो यहाँ पर जो डिजाइन देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको ग्लॉसी टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन में। एंड फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड क्वाड और कैमरा सेटअप भी दिया गया रियर साइड में। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले भी देगा, साथ साथ यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। हालांकि जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है वो सारे स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि ओप्पो रेनो 6 सीरीज में सारे स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है, इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डिस्प्ले को लेकर। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आगे बढ़ा बात करिए स्मार्टफोन की रैम एंड रोम सपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8GB प्लस 128GB वाला जो बेस वेरियंट है ये देखने को मिलेगा एंड 12GB प्लस 256GB वाला वेरियंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम टाइप देखने को मिलेगा एंड UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों स्मार्टफोन आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक मिसिंग देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, ओप्पो रेनो 6 सीरीज में आपको कोई भी स्मार्टफोन में 3.5 हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ साथ आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। साथ साथ यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंसर को लेकर। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। फ्लैक्स स्मार्टफोन है तो कैमरा भी यहाँ पर आपको फ्लैक्स भी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो रियर साइड में जो कैमरा देखने को मिलेगा ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन में, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है। दोस्तों इसमें आपको सोनी का IMX766 का सेंसर यूज किया है, जो कि अच्छा सेंसर है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, अल्ट्रा लेवल का फोटोग्राफी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। साथ साथ दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का कॉर्पोरेट कैमरा देखने को मिलेगा एंड साथ ही यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दे देगा। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड के बारे में, दोस्तों फ्रंट साइड में आपको बहुत ही तगड़ा कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में भी आप अच्छा खासा सेल्फी ले पाएंगे बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर आपको सेल्फी को लेकर भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा स्मार्टफोन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 11, जो कि बेस्ट है कॉलर OS 11.3 के ऊपर बेस्ट है। एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको देखना स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर। दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ट है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, चाहे जितने भी हाई ग्राफिक्स गेम खेल लो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकेशन वाइज तो ऐसा लग रहा है, बाकी फोन यूज करने के बाद पूरी डिटेल में पता चलेगा कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्रोसेसर। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में, यहाँ पर आपको 45mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ 65W की फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है। 65W की फास्ट चार्जिंग सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है ओप्पो रेनो 6 सीरीज में। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, तो चार्ज करने में भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी भी कुछ ठीक ठाक है और थोड़ा सा 5000mAh हो जाता तो अच्छा ही होता। यह रहा ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस 5G की पूरी स्पेसिफिकेशन। अब अगर बात करें स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में, पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो 8GB प्लस 128GB वाले वेरियंट की जो प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ 45000
के आसपास देखने को मिलेगा चाइना के हिसाब से जो प्राइस रेंज में ये चाइना में लॉन्च हुआ है। अगर बात करें 12G+256GB वाले वेरियंट की तो उसका इसका प्राइस आपको कुछ 51,000 के आसपास ऐसा देखने को मिलेगा चाइना के हिसाब से। अगर बात करें इंडिया लॉन्च डेट के बारे में तो दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जो लॉन्च होने वाला है चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। दोस्तों जो स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होता है ये स्मार्टफोन इंडिया में एक या दो महीने में आ जाता है। इसके बारे में कोई भी कंफर्म डेट नहीं है कि ये स्मार्टफोन इस दिन को देखने को मिलेगा, लेकिन जून के लास्ट महीने या फिर जुलाई के स्टार्टिंग महीने में आपको देखने को मिल सकता है ऐसा बोला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आएगा ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस 5G के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों नीचे कमेंट कर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा।